नमस्कार। अभी-अभी की बहुत बड़ी खबर आ रही है, ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। ईवीएम गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब चुनाव आयोग को भी आदेश दे दिए हैं। क्या है जानकारी बताएं। लोकसभा चुनाव पहले चरण की वोटिंग संपन्न भी हो गई है, वहीं लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, ईवीएम की छेड़छाड़ के मामले लगातार उठते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज ईवीएम गड़बड़ी पर कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। एक बार फिर ये सवाल हुआ, केरल में ईवीएम से छेड़छाड़ और दूसरी पार्टियों के वोट बीजेपी को ट्रांसफर होने का मामला है, जिनके आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ईवीएम संबंधी शिकायतों पर ध्यान देने के आदेश दिए हैं। केरल के कासरगोड में मॉक ड्रिल कराई गई, जिसमें कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप ये लगाया गया कि वहां पर हर एक वोट बीजेपी को जा रहा है, यानी कोई अन्य पार्टी को करे वो भी वोट बीजेपी को जा रहा है। इस मामले की सुनवाई की जस्टिस दीपा शंकर दत्ता, जस्टिस संजीव खन्ना ने, और मौखिक रूप से आदेश चुनाव आयोग के दिए हैं कि इस मामले में जो रिपोर्ट आई है उसकी जांच की जाए, और ईवीएम को लेकर वीवीपैट को लेकर कहा है कि चुनाव की प्रक्रिया है वो पवित्र होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा